प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं में सामाजिक विज्ञान का अध्याय 4 का अंतिम भाग, अध्याय का नाम है संस्थाओं का कामकाज, और आज का प्रकरण हमारा रहने वाला है न्याय व्यवस्था, यानी कि न्यायपालिका। हमने दो भाग इसके पढ़ लिए थे, कार्यपालिका व्यवस्थापिका, आज हम आगे न्यायपालिका। न्यायपालिका को हमारे यहाँ विभिन्न स्तरों पर बनाया गया है। जो सबसे उच्च स्तर है वह सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जो नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नई दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है। इसकी जो दूसरी सीढ़ी है सर्वोच्च न्यायालय की, वह है उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो मुख्यालय होता है, यानी प्रत्येक राज्य में एक है, प्रत्येक राज्य में अपास कुछ दो राज्यों का एक भी है, जैसे पंजाब और हरियाणा, इस प्रकार से एक दो जगह जो छोटे राज्य हैं उनका हाईकोर्ट एक ही है। लेकिन ये हमारे राजस्थान का जो हाईकोर्ट है वह जोधपुर में स्थित है, और इसकी एकलपीठ जयपुर में भी है। राजस्थान है वो जोधपुर में और एकलपीठ जयपुर में भी स्थित है। फिर इसके निम्न स्तर के आती है, वो आती है जिला न्यायालय, जिला सत्र न्यायालय भी कह सकते हैं इसको, या जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय। प्रत्येक जिले में स्थित होता है, हर राज्य के प्रत्येक जिले में जहाँ जनपद करते हैं वहाँ भी प्रत्येक जिले में एक सत्र न्यायाधीश होता है जो सारे स्तर सुनता है। और इसका चौथा जो स्तर है वह आ गया उपखंड स्तर। प्रत्येक उपखंड स्तर पर भी न्यायालय स्थापित हो गया। तो इस प्रकार से हमारे देश में न्याय व्यवस्था को चार भागों में बांट दिया, और इनमें से जो तीन स्तर है, ये तीनों स्तर अपीलीय न्यायालय के कहलाते हैं। अपीलीय न्यायालय, इसको हम समझेंगे कि अपीलीय न्यायालय का मतलब क्या होता है। ये प्राथमिक स्तर है जहाँ पर छोटे मुकदमे, जमीन लड़ाई झगड़ा, सामान्य चोरी चकारी और जमीन जायदाद के ऐसे झगड़े होते हैं, निम्न स्तर पर, लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर उपखंड न्यायालय में के माध्यम से न्याय व्यवस्था स्थापित होती है। तो जो आपसी रंजिश के जितने मुकदमे होते हैं वह ज्यादातर यहाँ पर व्यक्तिगत मुकदमे ज्यादातर यहाँ पर प्रभावित होते हैं। किंतु जब किसी व्यक्ति या सरकार के मध्य, राज्य सरकार के मध्य विवाद पैदा हो जाता है, या सरकारी विभागों के बीच में, यानी कि राज्य स्तर का जो मैटर होता है वह इसमें हाई कोर्ट में निर्धारित किया जाता है अपील के साथ साथ, और यदि दो राज्यों के बीच में विवाद हो जाता है या केंद्र और राज्य के बीच में विवाद हो जाता है, ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में तर्क विवाद होता है। किंतु न्याय व्यवस्था होती कैसे? मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसको मार दिया जाता है, और मारने के बाद में उसका न्याय सबसे पहले उपखंड स्तर पर उसका ट्रायल चलता है। उपखंड पर वाद पेश हुआ, अपील जिसको कहा था मैंने कि अपील किसको कहते हैं, उपखंड में वाद किया, 5 साल बाद में पेश हुआ, 5 वर्ष लगा अपील हुई, सब काम हुआ, 5 वर्ष बाद में फैसला आया। फैसला क्या आया कि आप सुनो, आप हार गए हैं, नेगेटिव फैसला आया। तो आपको संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि आप नीचे के फैसले के विरुद्ध उससे ऊंची अदालत में अपील कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। तो उपखंड स्तर पर हारने पर आप क्या जाओगे? जिले में, यानी कि जिले हेडक्वार्टर पर आपने जो वाद दायर किया है ये अपील कराता है। अब मान लो 5 साल बाद में यहाँ फिर फैसला है, और 5 साल का फैसला फिर वापस नेगेटिव आ गया, तो आप जिले से कहाँ अपील करोगे? उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की अपील फिर यहाँ
भी ये फैसला चलेगा उच्च न्यायालय के भी सर्वोच्च न्यायालय की है। तो यानी कि नीचे की अदालत ऐसे सब जगह में इस तरह उच्च न्यायालय में कोई केस आपने बात दायर किया और यहाँ अगर आप पराजित हो गए और आप आगे जाना चाहते हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे श्री राम भगवान का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था लेकिन संतुष्ट नहीं थे अपील करता या जो बात दायर करने वाले थे वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो ऐसे फैसले सदन के ऊपर में चला जाता है। फिर जहाँ का फैसला मान्य होता है वो फैसला उससे निम्न अदालतों में सर्वमान्य होता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया वो इसे भी मानना है, इसे भी मानना है, इसे भी मानना है, इनके लिए वो एक प्रकार से कानून हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपने आप में सरकार के फैसलों की समीक्षा भी करता है। यानी कि न्याय व्यवस्था का ये सबसे प्रमुख काम एक प्रकार से कर सकते हैं अपन कि न्याय व्यवस्था के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को कानून का अधिकार मिल जाए एक प्रकार से। इनमें जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। एक कोलिजियम सिस्टम होता है और उस कोलिजियम में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति शामिल होते हैं ताकि चयन में पूरी पारदर्शिता आए। एक बार न्यायाधीश बनने के बाद में उस न्यायाधीश को अपने पद से हटाना अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाया जाता है उसी प्रकार से इन न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। यानी कि संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई टू थर्ड मेजोरिटी से इनको हटाया जा सकता है, अदरवाइज इनको कोई हटा नहीं सकता है। ये सरकार के कार्यों की समीक्षा भी करते हैं साथ में दोनों काम भी करते हैं। जैसे विधायिका का कोई कानून या कोई कार्य अगर किसी राजनीतिक पार्टी में किसी व्यक्ति में किसी संगठन को यदि सरकार का फैसला या सरकार का निर्णय अच्छा नहीं लगा तो वो सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उन कार्यों की समीक्षा कर सकता है, उन पर रोक लगा सकता है, उनको रद्द कर सकता है और एतावत भी रख सकता है। फिर भी पूरी की पूरी इसमें समस्याएं होती है। व्यक्तिगत मुद्दे इसमें लड़े जाते हैं, व्यक्तिगत मुद्दे सुने जाते हैं, सरकार के बीच में जुड़े जाते हैं, किंतु कभी कभी ऐसे मुद्दे भी न्याय व्यवस्था में आ जाते हैं जो सार्वजनिक मुद्दे होते हैं यानी जिनसे जनता प्रभावित होने वाली होती है। इस प्रकार की जो याचिकाएं इसमें लगाई जाती है, जो रिट इसमें लगाई जाती है, ऐसी याचिकाओं को जनहित याचिका के नाम से जाना जाता है। यानी कि जिससे जनता का हित छिपा रहता है, जनता के हित के जो फैसले होते हैं ऐसे फैसले इसमें जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारी न्याय व्यवस्था एक प्रकार से स्वतंत्र इकाई है, इस पर बिल्कुल भी राजनीतिक प्रेशर नहीं रहता है। यानी कि राजनेता जैसे और जगह फोन करके अपना दबाव बनाता है, न्याय व्यवस्था में इस प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। न्याय व्यवस्था में जो भी फैसला होता है वो विषम परिस्थितियों में होता है, विषम अंगों में होता है। यानी कि इसमें एक बेंच बिठाई जाती है फैसले की और उनमें जज की संख्या 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि मान लो समाज दो की बेंच बैठा, अब दो की बेंच में से एक ने फैसला 9 दे दिया, एक ने 8 दे दिया, तो फिर दिक्कत पैदा हो गई, यानी फैसला तो वापस उठाया हो गया। तो इस प्रकार से विषम संख्या बिठाई जाती है और जो फैसला होता है उसे जैसे मान लो 5 जजों की बेंच बैठी, 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने दे दिया एस और 2 जजों ने दे दिया नो, तो ये फैसला चलाएगा 3-2 से पारित फैसला चलाएगा। यानी कि जिधर के मत ज्यादा होते हैं फैसला उधर ही माना जाता है, 3-2 से खारिज किया जाता है या 3-2 से फैसला किया जाता है। इस प्रकार से बहुत जिधर रहता है कि जिधर संख्या ज्यादा रहती है वही फैसला वैध समझा जाता है। तो इस प्रकार से हमारे देश की न्याय व्यवस्था भी इसी प्रकार आज इस अध्याय का हमारा ये लास्ट पार्ट था न्याय व्यवस्था वाला। इसमें सारी संस्थाओं का कामकाज कार्यपालिका कैसे काम करती है, यानी कि संसद कैसे काम करती है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद किस प्रकार से काम करता है, फिर राष्ट्रपति कैसे काम करता है और अंत में न्याय व्यवस्था के बारे में आज हमने विस्तार से समझा है। आप सब भाइयों के समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।